चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की एक और समिति से आनंद शर्मा का इस्तीफा, हिमाचल संचालन समिति से आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया है और जानकारी ये भी सामने आई है कि उन्होंने इस्तीफा देने के साथ साथ ये भी कहा है कि स्वाभिमान के साथ वो कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। कहा आत्मसम्मान से समझौता नहीं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आई है कि सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि वे अपने स्वाभिमान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्रमुख बैठकों में नहीं बुलाए जाने के कारण आनंद शर्मा कांग्रेस में खुद को उपेक्षित और अलग थलग महसूस कर रहे थे। तो खुद को उपेक्षित वो महसूस कर रहे थे, अलग थलग वो महसूस कर रहे थे और यही वजह शायद जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसी को लेकर तमाम अपडेट्स भी मिल रहे हैं, तमाम जानकारी भी सामने आ रही है। अब इसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए एक बड़ा बयान आनंद शर्मा की ओर से दिया गया है कि वो एक लंबे अरसे से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, शायद बैठकों में नहीं बुलाना भी एक बड़ी वजह इसके पीछे, पर स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, इसका क्या मतलब? देखिए बड़ा झटका है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि जो G23 वाला जो झटका था, दिन चुप्पी थी, उसी का स्वरूप है जो इंडिविजुअल तरीके से हो रहा है। पहले गुलाम नबी आजाद और फिर आनंद शर्मा, ये दो पार्टी के बहुत पुराने विश्वसनीय गांधी परिवार के नेता हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से पार्टी का संचालन है, दरअसल राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, वो भी वजह ये है कि वो ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, नेता जिस तरीके से काम करते हैं वो मेरा तरीका नहीं। वहीं आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, जो इनका स्टेटमेंट है कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं कर सकता, उसमें यही तरीका है कि कांग्रेस जिस तरीके से संचालन कर रही है वो तरीका ठीक नहीं है। तो कांग्रेस को बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा ने चिट्ठी लिखी और हिमाचल समिति अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके आनंद शर्मा कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश इकाई के संचालन समिति के अध्यक्ष पद से उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। और सूत्रों की माने तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और इन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को इस बात की जानकारी दी और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और शर्मा ने आश्वासन दिया है कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार में भाग जरूर लेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उससे इस्तीफा वो नहीं इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी ओर देखिए तमाम बातें इस तरह की हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, कई बार उनको उस बैठकों में नहीं बुलाया जाता हिमाचल प्रदेश की, और उन तमाम चीजों की वजह से ये नाराज चल रहे हैं और उस नाराज चलने के चक्कर में उनको ये लगा कि अभी तक पार्टी ने ना तो मुझे उस तरह का सम्मान दे रहे हैं, जब मुझे संचालन समिति का अध्यक्ष पद सौंपा है तो हिमाचल प्रदेश के होने वाली किसी बैठक में ना मुझे बुलाया गया है। ऐसे में अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हुए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर अपने संचालन समिति पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव सिर पर है और जब भी कोई जरूरत होगी या कभी उम्मीदवारों को लेकर कुछ होगा तो मैं जरूर आगे खड़ा रहूंगा, लेकिन जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है वो तरीका ठीक नहीं है और ना वो तरीका पार्टी के लिए ठीक है ना पार्टी में रहने वाले नेताओं के लिए। इसलिए मैं अब देखना ये भी महत्वपूर्ण कि आने वाले दिनों में इस इस्तीफे के बाद हिमाचल कांग्रेस में कितना बड़ा भूचाल आएगा, किस तरीके की चल देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।